भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जनपद पंचायत आरंग ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने डिफाल्टर सरपंचों की सूची लगा दी है। इसके क्या परिणाम आए हैं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है, आइए आज जानने का प्रयास करते हैं। जनपद पंचायत आरंग में डिफाल्टर सरपंचों की सूची का भ्रष्टाचार कम करने में क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये जो डिफाल्टर सरपंचों की लिस्ट आपने पढ़ी, इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? इसमें ये है कि ये लगाने से ये है कि हम ग्राम सभा में बता सके कि हमारे जनप्रति कैसे होते हैं, और इससे बहुत कुछ रोक लगाई जा सकती है, जिससे हम मतदाता को ये बता सकते हैं कि आप जिस जनप्रतिनिधि को आप चुनते हैं तो कैसे चुनेंगे, जिससे हमारा जो आम जनता की पैसा वो इस तरीके से डिफाल्टर सरपंचों के हाथ ना लगे, इसलिए जागरूक रहे और ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुने जिससे ऐसे डिफाल्टर हमारे जनप्रतिनिधि ना हो। सूची के बारे में क्या सोचते हैं अभी? तो सर उसमें क्या सूची लगने से, अगर हर जनपद या कहीं पे है लगने से उसमें सर मतलब लोग अपने काम सही ढंग से करेंगे सर, उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, जो भी है, तो उसमें का डिफॉल्ट सूची उनका नाम ना आए करके उन लोग अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे उसमें। हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे इस ग्राम पंचायत से ख़त्म होना चाहिए, जिससे हर जनप्रतिनिधि ये सोच के खड़ा हो कि अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो मेरा भी यही हर्ष होगा, मेरा भी हर जनपद में इस प्रकार से नाम छप जाए, और वहाँ जो लिस्ट है डिफाल्टरों सरपंचों की सूची उसमें भी आ जाएगा, इसलिए वो सतर्क रहे और जो मतदाता है वो भी जागरूक हो जाए, इस तरीके से हमारा जनप्रतिनिधि सही तक पहुँचेगा, ये मेरा सोच है।